अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है खुर्रम शहजाद। आज की इस वीडियो में जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो काफ़ी एक्साइटिंग है। cPanel ने अपना लेटेस्ट वर्जन 106 लॉन्च कर दी है। इस वर्जन के अंदर उसने एक नया फीचर इंट्रोड्यूस करवाया है डोमेन मैनेजमेंट के नाम से, और एक फ़ीचर उसने ख़त्म कर दिया है सब डोमेन। अगर आप इसकी रिलीज़ नोटिस पढ़ें और नीचे आएँ, यहाँ पर वो आपको बता देगा कि हमने एडोन डोमेन और सब डोमेन वाला फीचर ख़त्म कर दिया और ये सारा एक ही पेज के ऊपर मर्ज कर दिया डोमेन सेक्शन में। तो ये कैसे वर्क करता है, अब आप सब डोमेन कैसे बना सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, अगर आप पुरानी थीम यूज़ कर रहे हैं उसमें फ़ीचर आ रहा होगा सब डोमेन का, लेकिन अगर आप जुपिटर थीम यूज़ करेंगे तो उसके अंदर आपको ये फ़ीचर नहीं मिलेगा। तो हम सब डोमेन नए cPanel में, जो लेटेस्ट cPanel है, उसके अंदर कैसे बना सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपना cPanel अकाउंट लॉगिन करें। स्क्रॉल डाउन करें, डोमेन सेक्शन में आ जाएं, यहां पे डोमेन के बटन पे क्लिक करें। यहां पे मैंने ऑलरेडी एक सब डोमेन बनाया हुआ है। एक नया डोमेन बनाने के लिए या डोमेन को एड ऑन करने के लिए आप क्रिएट अ न्यू डोमेन पे क्लिक करें। यहां पे आपने जो डोमेन एड ऑन करनी है या जो सब डोमेन बनानी है वो पूरा नाम टाइप करें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही मैं अपनी सब डोमेन का नाम टाइप करूंगा और साथ में जो डोमेन मेरे इस cPanel की प्राइमरी डोमेन है वो टाइप करूंगा, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फोल्डर आ जाएगा इसका जो डायरेक्टरी पाथ है, और आप इसको सबमिट कर देंगे, ये डोमेन क्रिएट हो जाएगी। और अगर आपने एक और रिकॉर्ड ऐड करना है तो सबमिट एंड क्रिएट अनदर पे क्लिक करेंगे। तो सब डोमेन का आइकन गायब होने की वजह से आपने परेशान नहीं होना, बल्कि इस वीडियो को आपने वॉच करना है, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।